नमस्कार दोस्तों, आज कोटी कॉलोनी में वाटर स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया जा रहा है और यहां आ रहे हैं मंत्री जी, आ रहे हैं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी आ रहे हैं और उनके स्वागत में जो तो यहां पर जो तो भीड़ लगी है। और दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा आगे का दृश्य। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you.
एक गैलरी है उत्तराखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानियों की। उत्तराखंड के वीर स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी ये तस्वीरें लगी है और उनके बारे में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मशीनें भी आ रखी है जो ग्रामीण लोगों के लिए, ये उत्तराखंड की यहाँ पर जो तो बीज है। हमारे तकनीकी अधिकारी ये टीम जो कि ठाकर हैं, ये 1 किलोमीटर की रेस का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जी द्वारा किया गया। और मुख्य अतिथि जी को मैं इस रेस के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ कि इस रेस में के फॉर वुमेन में हीट टू में उत्तराखंड जो कि काफ़ी अच्छी बढ़त बना चुकी है, बढ़त बनाने जा रही है मध्य प्रदेश और दिल्ली टीम। पेडलिंग थोड़ी गड़बड़ाई पर अभी आगे बढ़त बनाए हुए हैं और मध्य प्रदेश टीम की खिलाड़ी है फिनिशिंग पॉइंट की ओर निकल चुकी है और उन्होंने इस रेस को पहले स्थान पर पूरा किया, दूसरे पर दिल्ली, तीसरे पर चंडीगढ़ और चौथे स्थान पर होस्ट टीम उत्तराखंड टीम की खिलाड़ियों ने इस रेस को पूरा किया। और बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पर इस रेस के दौरान मुख्य अतिथि जी के समक्ष देखने को मिला। इस रेस के दौरान ओपन कैनो स्प्रिंट सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप के हौसला अफजाई करने के लिए हम सभी के बीच पधारे, आपका मैं पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। किसी को मिली है तो प्लीज आप लोग कंट्रोल रूम में जमा करवा दें। पुलिस प्रशासन प्लीज़ आप लोग जो ड्यूटी यहाँ पर, प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में आप अपने जो भी यहाँ पर ड्यूटी है उनसे कि वो यहाँ ये स्टेज के सामने किसी को ना आने दें। प्लीज़ आप लोग साइड हो जाओ स्टेज के सामने। स्टेज पर भी आप लोग कवरेज करें, पूरा कवरेज दें आप, रेस के अलावा भी।